दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो कि हाल ही फिलहाल BCCI के प्रेसिडेंट हुए हैं। और प्रेसिडेंट होते ही साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिसीजन लिए क्रिकेट की तरफ से, क्रिकेट के लिए। दोस्तों पहला डिसीजन पिंक बॉल टेस्ट, जो कि पहली बार इंडिया में कोलकाता में खेला गया है, ईडन गार्डन के स्टेडियम में, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के समय। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सोल्ड आउट था। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बोल देना चाहता हूँ कि सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कैप्टन भी थे, बहुत अच्छे प्लेयर भी थे, जिन्हें हम लोग ऑफ स्टंप के किंग कहते थे। वो ऑफ स्टंप में बहुत अच्छे खेलते थे। और दोस्तों उनके कैप्टन होने के बाद इंडिया जीतना सीखा है। इंडिया में तो जीतता ही था, लेकिन बाहर जाके नहीं जीतता था। तो सौरव गांगुली के कैप्टन होने के बाद इंडिया बाहर जाके भी जीतना सीखा, मतलब विदेश में भी जाके जीतना सीखा। और दोस्तों ऐसा ही इंसान को BCCI प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं और क्रिकेट के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि धोनी के ऊपर अभी बहुत सारे डिसीजन लिया जा रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उन्हें। लेकिन सौरव गांगुली ने एक कमेंट किया धोनी के ऊपर, चैंपियन चैंपियन ही होता है, और चैंपियन के लिए रिटायरमेंट पोजीशन, रिटायरमेंट सिचुएशन होता है चैंपियन गेम। तो इससे लगता है कि सौरव गांगुली ने अपने दिमाग में बैठा लिया है और वो कुछ बोलना चाहते हैं हम लोगों को कि धोनी वर्ल्ड कप 2020 खेलेंगे और ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि सौरव गांगुली ने ये बात अपने मुंह से कहा है कि चैंपियन मैच में ही रिटायरमेंट लेता है। जैसे कि सौरव गांगुली जब खेल रहे थे तो 4 साल पहले ही सौरव गांगुली के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा था, बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा था, बहुत सारे बोल रहे थे कि सौरव गांगुली टीम से निकल जाना चाहिए, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन सौरव गांगुली एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने उस कंट्रोवर्सी के बाद 4 साल भी खेला है, जिन्हें हम प्रिंस ऑफ कोलकाता कहते हैं। सौरव गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस भी ले रहे हैं। उनका ये डिसीजन भी बहुत काम आया, सक्सेसफुल हुआ। पहला पिंक बॉल टेस्ट इन इंडिया इन कोलकाता एट ईडन गार्डन स्टेडियम, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश जब ये मैच खेला था, टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच पिंक बॉल से। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सोल्ड आउट था एडवांस बुकिंग, और फोर्थ डे, फिफ्थ डे भी सोल्ड आउट होने वाला ही था, मतलब फीलिंग फास्ट। तो दोस्तों जब टू एंड हाफ डे में जब खेल ख़त्म हो गया टेस्ट मैच, उसे खेल ख़त्म होते ही साथ सौरव गांगुली ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि जो टिकट फोर्थ डे और फिफ्थ डे के लिए सेल हुआ है उसको फुल रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन सौरव गांगुली एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये बात पहली बार सोचा और ये किया भी। तो इसके हिसाब से सौरव गांगुली एक बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत अच्छे प्लेयर भी है, और उन्हें BCCI के प्रेसिडेंट होना भी चाहिए। इसको मैं एग्री करता हूँ, इसको आप लोग भी एग्री करते हैं। आप लोगों से ये भी थे कि आप हमारे नए चैनल स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को पा सकें। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।